Hey everyone so once again welcome you all on law vita my name is aradhya gupta and uh, today in this video we are going to take a topic of jurisprudence as uh, we have already covered four lectures so you can watch all those videos by visiting the playlist of jurisprudence and the link of the same i'll leave in the description box while today we are going to discuss uh, the school of jurisprudence this is one of the very important topic of jurisprudence

स्कूल्स के अलग अलग एक्सपोनेंट्स हैं या मैं कहूँ अलग अलग जोरिस्ट हैं जो अपने अपने ओपिनियंस देते हैं या राधा वी कैन से दैट दे पुट फोर्स देयर डिफरेंट अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ जोर स्टूडेंट्स कि वो जोर से क्या समझते हैं उनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है वो जोर के रिगार्ड में अपने थॉट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी एक्चुअली कम्स टू नो विथ द डिफरेंट स्कूल्स अल्टीमेटली चीज़ एक ही है सब में हम हम लॉ की ही स्टडी करेंगे क्योंकि जो हमें लॉ के बारे में बताता है तो हम हर स्कूल में डिस्कस लॉ को ही करेंगे चाहे इस एंगल से देख लो इस एंगल से देख लो बस उसको समझाने का तरीका उसको ट्रीट करने की जो अप्रोचेज हैं वो डिफर होंगी अलग अलग स्कूल में ये एक डिफरेंशिएशन बी अ डिफरेंट अप्रोच यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट अप्रोच द तो ट्रीटमेंट ऑफ जूर स्टूडेंट्स विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स ठीक है सो वट आर द सर्टेन स्कूल्स वी आर हैविंग एनालिटिकल स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल सोशोलॉजिकल स्कूल रियलिस्टिक स्कूल नेचुरल स्कूल फैमनिस स्कूल एंड एथिकल स्कूल एंड वील डिस्कस इच वन ऑफ दैम विद डिटेल एक्सप्लेन विद इमेंट एक्सपोन विद्लीट नोट सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद दिटिकल राइट सो द मेन आइडिया ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्ट स्टूडेंट्स इज टू डील विद लॉ एज इट एक्सिस्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म पहली ही लाइन में इसका हमें सार पता चलता है कि इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है द मेन आइडिया जो इस एनलिटिकल स्कूल का जो मेन आइडिया है वो ये है कि ये लॉ को कैसे डील करता है इट डील विद लॉ एज इट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म जैसा वो प्रेजेंट फॉर्म में है ठीक है ये उसको डील नहीं करता कि लॉ कैसा होना चाहिए दैट इग्नोर दैट पॉइंट रादर इट ओनली फोकस ऑन दट हाउ लॉ इज प्रेजेंटली इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म राइट

इसके अंदर जो लॉ का मेन एस्पेक्ट है वो है कि लॉ का स्टेट के संग किस तरीके से रिलेशन है ठीक है वो हमें आगे पता चलेगा और इस चीज़ को आप खुद डिराइव कर पाओगे मैं आपको एक जस्ट देती हूँ बेसिकली इस स्कूल के अंदर जैसे द फादर ऑफ द स्कूल इज ऑस्टिन तो ऑस्टिन है बेंथम है इनका ये मानना है कि एक स्टेट के अंदर जो सॉवरिन अथॉरिटी होती है वो एक कमांड देते हैं और उस कमांड को आपको ओबे करना होता है ठीक है दैट इज़ लॉ और अगर आप उनका ओबे uh, नहीं करते हो उनको फॉलो नहीं करते हो दैन देल बी इम्पोज अ सेंकशन अपॉन यू

द दिस स्कूल ट्रीट्स लॉ एज अ कमांड ऑरिजिनेटिंग फ्राम द सोवेन दे फोर इट इज़ कॉल्ड द इम्परेटिव स्कूल क्योंकि इस स्कूल में जो इस 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 स्कूल के अंदर जो लॉ को एज अ कमांड ट्रीट किया जाता है एक कमांड मे मीन टू से कि एक आपको ड्यूटी दी गई है ऑब्लीगेशन इम्पोज किया गया है ठीक है आपको उसे फॉलो करना है और वो कौन देता है दैट इज़ बींग ओरिजिनेटिंग फ्राम अ सॉवरीन अथॉरिटी एंड दैट इज़ द स्टेट स्टेट इज सॉवरीन स्टेट हैज़ द सुप्रीम पावर्स और इसी कारण से इस स्कूल को हम इम्पारेटिव स्कूल बोलते हैं अब कई बार ये क्वेश्चन लिया जाता है कि वाई द स्कूल इज नोन एज इम्पारेटिव स्कूल सो दिस इज द रीजनिंग बिहाइंड द सेम बिकॉज Here, the law is being treated as a command which is originated from the sovereign, that is the state. Alright, now further, the advocates of this school are neither concerned with the past of the law nor with the future of it, but they confine themselves to the study of law as it actually exists. दैट इज़ पॉजिटस एंड therefore फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्कूल ठीक है सोन में आ गया होगा क्योंकि इस स्कूल के जितने भी बिलीवर्स uh, हैं जोरिस्ट हैं वो लोग ना तो लॉ को पास में कैसा था उससे कंसर्न है ना लॉ फ्यूचर में कैसा होगा उससे कंसर्न है बट देर ओनली कन्फाइंड देर स्टडी टूवर्ड्स हाउ लॉ एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट वो लॉ किस तरीके से एक्जिस्ट कर रहा है जिसको हम लीगल टर्म में कहते हैं पॉजिटस और दैट इज नॉट द ओनली रीजन दैट दिस स्कूल इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉजिटिव स्कूल ठीक है बहुत सिंपल है फर्दर ऑस्टिन इज नोन एज द फादर ऑफ द स्कूल हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टिनियन स्कूल क्योंकि ऑस्टिन स्कूल के फादर हैं दैट इज व्हाई द स्कूल इज नोन एज ऑस्टीनियन स्कूल क्लियर तो फ्रॉम हेयर वी कम्स टू नो दैट एनालिटिकल स्कूल एनालिटिकल स्कूल इज ऑल्सो नोन एज एम्पेरेटिव स्कूल पॉजिटिव स्कूल एंड ऑस्टीनियन स्कूल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं द एक्सपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल आर जर्मी बैंथम जॉन ऑस्टिन स्काइन हॉलैंड सर सामन डॉक्टर सी के एलिन एच एलिहा हार्ट हैं स्केल्सन शेलडॉन मार्ग बाय एसेट्रा तो ये जितने भी नेम्स यहाँ पे हमने पढ़े ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं एनालिटिकल स्कूल के दे आर द फॉलोअर्स एंड दे हैव पुट फोर देयर इम्पॉर्टेंट थाट रिगार्डिंग द लॉ इन दिस पर्टिकुलर स्कूल ठीक है तो आप लोग अब हम लोग कुछ रेलिवेंट एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे लाइक वील डिस्कस अबाउट जेरमी बैंथम ऑस्टिन हॉलैंड एलन हार्ट ठीक है तो जो कुछ रेलिवेंट uh, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कॉम्पिटिशिव प्रपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वी आर गोना डिस्कस ऑल ऑफ दैट सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद जेरेमी बैंथम ओके So, the Bantham's contribution to legal theory and legislation is so great that his period is known as Banthamite era in the legal history of England. Jeremy Bantham legal history, ke towards, legislation, it towards a great contribution hai unke period mein that his period was used to be known as Benthamite period. तो दिस इज़ रियली अ फिनल पॉइंट कि उन्होंने इतना ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एंड दैट इज़ वॉट द रीज़न ही इज एरा वॉज नोन एज अ बैंथमाइट एरा उनके नाम पर उस पीरियड का नाम रखा गया था इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म उन्होंने एक कॉन्सेप्ट एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ जोरे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था डेट वॉज लीगल पॉजिटिविज़म एंड वील डिस्कस दैट फर्दर ओके द बैथम रेफर्ड टू डिवाइड जोरिसप्रूडेंस इन टू एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल जोरिसप्रोडेंस तो जर्मी बैंथम ने बेसिकली जोरिसप्रोडेंस को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था वन इज एक्सपोजिटोरियल एंड द अदर इज सेंसोरियल सो वॉट इज इट द एक्सपोजिटोरियल एक्स ज्योरिसप्रोडेंस इज कंसर्न विद वॉट लॉ इज़ ओके एंड वाइज सेंसोरियल थ वट लॉ ऑट टू बी ठीक है इन्होंने जूरोस्टूडेंट्स को दो पोर्शन में दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया एक्सपोजिटोरियल ही मीन्स टू से दैट कि क्या लॉ है क्या लॉ आज की डेट में प्रिवेल कर रहा है एंड सेंसोरियल कि लॉ कैसा होना चाहिए ठीक है वॉट इट ऑट टू बी राइट फर्दर बैंथम रिजेक्टेड द नेचुरल लॉ थ्योरी एंड कोरिलेटेड लॉ विद सोवरिनिटी एंड यूटिलिटी तो बैंथम ने नैचुरल स्कूल का जो भी थ्योरी थी नेचुरल लॉ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियरली रिजेक्ट किया है ठीक है एंड ही को रिलेटेड लॉ विथ सॉवरिनटी एंड यूटिलिटी ठीक है उन्होंने लॉ को सॉवरिनिटी से लॉ को यूटिलिटी से रिलेट किया है अब ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में बैंथम ने एक यूटिलिटी का प्रिंसिपल दिया था सो वील डिस्कस दैट

विच अलोन डिसाइड एज टू वॉट मैन शुड डू और नॉट डू ये जो पेन एंड प्लेजर हैं ये हमारे सॉवरीन मास्टर हैं जो हमारे रिगार्ड में डिसाइड करते हैं कि हम एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए और एक व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए एंड दिस कॉन्सेप्ट लेटर केम टू बी नोन एज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और यही उनका जो कॉन्सेप्ट था दैट देर आर टू सॉवरिन मास्टर्स पेन एंड प्लेजर विच अलोन डिसाइड दैट वॉट वॉट मैन शुड डू एंड वॉट नॉट सो दिस वॉज known as the principle of utility this is known as a principle of utility theek hai further according to bentham only those laws could be upheld which promoted four goals aage uh, bentham law ke according mein kehte hain ki sirf wahi law upheld है, वही law prevail करता है, जो कि इन चार goals को promote करता है। there are four goals according to him that are subsistence abundance equality and security तो द लॉ विच अपहेल्ड सबसिस्टेंस एबेंडेंस इक्वेलिटी एंड सिक्योरिटी ओनली प्रिवेल्स एंड ओनली अपेल्स ठीक है तो दिस यू डू हैव टू रिमेंबर दिस की बैंथम ने कौन सा प्रिंसिपल दिया ठीक है उस प्रिंसिपल का मतलब क्या है बैंथम के अकॉर्डिंग लॉ किन चार गोल्स को प्रमोट करता है बैंथम ने जुर को कितने पार्ट्स में और किस किस नाम के पार्ट्स में डिवाइड किया था ठीक है बैंथम के एरा को क्या कहा जाता है तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है चाहे वो आपके एम सी क्यू बेस्ड पेपर होता है और द सब्जेक्टिव बेस्ड राइट फर्दर बैंथम डिफाइंड लॉ एज एन असेंबलेज ऑफ साइंस डेक्लेन्स ऑफ वॉल्यूशन

द डेक्रेशन ऑफ वॉल्यूशन वॉल्यूशन से आई है ब्रैकेट द विल स्टेट की क्या विल है स्टेट की क्या चॉइस है अडोप्टेड बाई सी जो कि उस स्टेट के अंदर जो सॉवरिन अथॉरिटी है उसने कंसीव किया उसने अडॉप्ट किया है और उसका डेक्लेरेशन किया है ठीक है एंड दिस इज एक्चुअली वॉट नोन एज लॉ अकॉर्डिंग टू बैंथम वेरी सिंपल ठीक है तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बेसिक कॉन्सेप्ट था फर्दर लेट सी देर इज अ Theory of Bentham, that is Bentham's utilitarianism. So Bentham propounded the principle of utilitarianism. According to this theory, the right aim of legislation is a carrying out of the principle of utility. Okay. Is principle ki according किसी भी लॉ का किसी भी लेजिस्लेशन का मेन एम होता है टू कैरी द प्रिंसिपल ऑफ़ यूटिलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ़ यूटिलिटी आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट देर यूज मास्टर्स एंड यू हैव टू मेक द कंट्रोल ओवर दोज टू मास्टर्स एंड हु डू सो ठीक है जो लॉ उस चीज़ को सबसिस्ट कर पाता है दैट प्रिवेल्स एंड जो उन चार गोल्स को प्रमोट करता है सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मीन्स द प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ इज़ द प्रमोशन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर हेयर ही इज पैंथम इज सेंग दैट कि किसी भी लॉ का जो एक एंड होता है ठीक है फाइनल जो आपका गोल होता है वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस प्रमोट करना लाइक द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल गेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ठीक है ये चीज़ कई बार पेपर में आ जाती है कि बात किसने कही थी डेट एवरी लॉ इज अ प्रमोशन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ जेरेमी बैंथम ही डिफाइंड यूटिलिटी एज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ अ थिंग टू प्रीवेंट सम और प्रोक्योर सम गुड ठीक है बाई यूटिलिटी मीन्स टू से कि एक पर्सन के अंदर कितनी या एक पर्सन कह लो या एक लॉ एक के अंदर एक लेजिस्लेशन के अंदर कितनी टेंडेंसी है कितनी प्रॉपर्टी है बुरी चीज़ों को प्रिवेंट करने की और अच्छी चीज़ों को प्रोक्योर करने की है न और जिस भी लॉ के अंदर ये एक यूटिलिटी का एक एलिमेंट uh, सब्सिस्ट है देन दैट लॉ प्रस द बेस्ट ठीक है वो एक राइट right एम होता है ऑफ एनी लेजिस्लेशन राइट हेयर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ गुड एंड ईविल आर प्लेजर एंड पेन गुड से मतलब है कि आप यहाँ बोल रहे ना कि टू प्रोक्योर सम गुड प्रोक्योर सम गुड से मीन्स टू प्रोक्योर सम प्लेजर एंड टू प्रिवेंट सम ईविल टू प्रीवेंट समाइट तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा चीज थिंग्स आर नॉट दैट टफ बट यू जस्ट हैव टू फोकस एंड यू जस्ट हैव टू लिसन द थिंग्स एंड री रीड Then, then nobody can be the hinder for you to forget these. Oh, well, uh, there are criticism. There are two criticism of Bantham's concept.

इन रियलिटी दिस यूटिलिटेरियनिज्म कैनॉट बी द फाइनल डेस ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ एनी लॉ ठीक है सो ये इन दो इन दो बेसिक पॉइंट्स पर बैंथम के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया था सो डो रिमेंबर दिस तो ये था आपका बैंथम का कॉन्सेप्ट इन द एनाटिकल स्कूल नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स रीड अबाउट The father of analytical school that is John Austin, and by the way, uh, I'm sure you would know John Austin is the disciple of bantham uh, John Austin is the who of bantham Okay, so Austin is considered as the father of English jurisprudence. Okay, Austin.

व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं जो कि पॉलिटिकली सुपीरियर होते हैं और किन के लिए जो कि उनसे पॉलिटिकली इंफीरियर होते हैं द एग्रीगेट ऑफ रूल सेट बाय मैन एज पोलिटिकली इंफीरियर टू द और फॉर द मैन विच आर पॉलिटिकली इंफीरियर दैट इज नोन एज द पॉजिटिव लॉ एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन ऑस्टिन क्लियर अकॉर्डिंग टू हिम देर आर फोर एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉजिटिव लॉ दैट इज कमांड Sanction, duty, and sovereignty. Okay, I have told you that. Further, it was Austin who for the first time treated jurisprudence as science of law concerned with the analysis of legal concept. Okay, Austin uh, jurisprudence concept as a science of law treatment with the analysis of legal concept. Malab, he uh, tried to approach legal concept as a science of law. So that was for the first time in the history of jurisprudence, right? लेट्स मूव फर्दर इन ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ देर इज नो प्लेस फॉर आइडियल ऑफ जस्टनेस इन लॉ याद रखिएगा यहाँ पर ऑस्टिन की थियोरी में आइडियलनेस ठीक है जस्टनेस वॉट इज़ राइट वॉट इज़ रॉन्ग उसका कोई जगह नहीं है इज लेक्चर्स व पब्लिश अंडर द टाइटल द प्रोविंस ऑफ जूरिस स्टूडेंस डिटरमाइंड उनकी एक फेमस uh, बुक मैं कह सकती हूँ यह पब्लिकेशन थी uh, जिसके अंदर उनके मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स वी रीड फ्रॉम देर एंड दिस इज़ टाइटल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ जूरिस स्टूडेंट्स डिटरमाइंड ये आपको याद रखना है बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन कम्स ठीक है चलिए अब देखते हैं देर इज़ वन थियोरी ऑफ ऑस्टिन ऑस्टिन इम्पेरेटिव थियोरी ऑफ लॉ सो ऑस्टिन डिफाइंड लॉ एज रूल लेड फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बींग्स बाय एन इंटेलिजेंट बींग हैविंग पावर ओवर हिम अगेन द सेम मीनिंग ऑफ द लॉ बट देर इज अ डिफरेंस ऑफ वर्ड्स यहाँ पे ऑस्टिन ने कहा है कि लॉ क्या है लॉ वो रूल है जो कि इंटेलिजेंट बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं ठीक है या uh, yeah, uh, वो और कैसे इंटेलिजेंट बींग्स दोज आर हैविंग द पावर जिनके पास क्षमता है जिनके पास सत्ता है और उन लोगों के लिए और जो उनसे इंफीरियर इंटेलिजेंट बींग्स होते हैं फॉर देयर गाइडेंस राइट फर्दर ही डिवाइडेड लॉ इंटू टू पार्ट्स ऑस्टिन ने लॉ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था वन लॉ सेट बाय द गॉड फॉर मैन इन इन अदर द ह्यूमन लॉ जो कि लॉज मेड बाय मैन फॉर मैन एक तो वो नेचुरल लॉ जो कि भगवान ने बनाए हैं सारे ह्यूमन बींग्स के लिए और दूसरे वो लॉज वो ह्यूमन लॉ जो कि एक मैन ने दूसरे मैन के लिए बनाया है ठीक है And according to Austin, study and analysis of positive law alone is a subject matter of jurisprudence. Okay, so this is the basic concept. Now let's look up to the criticism. So his theory was criticized on these all the points. Here the customs were overlooked, okay, no place for judge made laws. ऑस्टिन थ्योरी ट्रीट इंटरनेशनल लॉ इज मेयर मोरालिटी बिकॉज इट लैक सेंक्शन जो ऑस्टिन की थ्योरी थी उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को एक सिर्फ मोरालिटी को की तरह ट्रीट किया था इट डेंट कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज अ प्रॉपर लेजिस्लेशन बिकॉज उन्होंने बोला कि उसके पीछे कोई सेंक्शन नहीं है और ऑस्चिन के अकॉर्डिंग लॉ वही है जिसके पीछे एक सेंक्शन है तो क्योंकि उनके उनका मानना था कि इंटरनेशनल लॉ इज लैकिंग अक्शन दैट इज वाई इट इज जस्ट मेयर मोरलिटी फर्दर इन दिस द कमांड ओवर इम्फोसाइज येस दैट्स द फैक्ट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरलिटी कम्पलीटली इग्नोर्ड यहाँ पे लॉ की और मोरलिटी की एक इंटर रिलेशनशिप को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है एंड द लास्ट क्रिटिसिजम इज दैट द सेंशन अलोन इज नॉट द मीन्स टू इंड्यूस ओबिडेंस कि सिर्फ एक सेंक्शन इम्पोज करने से एक दंड लगाने से एक रोक लगाने से आप ये नहीं कह सकते कि फिर अगर आप जब दंड रखोगे जब आप एक तरीके से आ, कमांड करोगे तो वो आपको ओबे ओबे करेंगे सो दैट इज नॉट द ओनली मीन्स राइट सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स ऑन विच द ऑस्टिंस थ्योरी वॉज बीन क्रिटिसाइज ठीक है चलिए ये हो गया आपके बैंथम एंड ऑस्टिन नाउ द नेक्स्ट इज एस्काइन हॉलैंड सो हॉलैंड डिफाइंड ज्यूरसप्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ दिस डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द डेफिनेशन पार्ट द पार्ट वन ऑफ लेक्चर तो इनके अकॉर्डिंग ज्यूरसप्रूडेंस क्या है

जोरेस्टूडेंट जो है वो लीगल रिलेशन्स की साइंस नहीं है ये एक प्रायराय नहीं है प्रायरा इज अटिन टर्म विच मीन्स लीगल टर्म एज दे ऑट टू हैव बीन कि लॉ वो नहीं है कि वो कैसा होना चाहिए बल्कि लॉ इज पॉश्चर्यराय पॉस्चर्यराय दैट इज मीन्स कि लॉ कैसा है या लॉ कैसा बनाया गया है बाय द सॉवरीन पावर ऑफ द स्टेट एज अ पॉजिटिव लॉ दैट इज़ एक्चुअली लॉ तो दिस वॉज द बेसिक कॉन्प्ट ऑफ अर्स्काइन हॉलैंड यह आ सकता है कि प्रायराय और पॉस्टर राय के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन किसने क्रिएट किया था दैट वॉज बींग डन बाय अर्स्काइन हॉलैंड ठीक है ना द नेक्स्ट इज एच एल ए हार्ट अगेन हिज थियरी हिज कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्कूल सो हार्ट में भी रिगार्डेड एज अ लीडिंग कंटेम्प्रेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पॉजिटिविज्म

एक्सेप्टेड लॉ एज अ कमांड एज एडवोकेटेड बाय बैंथम एंड ऑस्टिन उन्होंने जो बैंथम और ऑस्टिन ने जो लॉ को एज अ कमांड बताया उस चीज को सपोर्ट किया एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू एच एल ए हार्ट लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ टू टाइप ऑफ रूल्स द यूनियन ऑफ विच प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ जोर स्ट्रूडेंट्स एंड ही कॉल्स दैम प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स तो यहाँ पर एच एल ए हार्ट ने लॉ को दो तरह के रूल्स में डिवाइड किया है वन इज प्राइमरी रूल्स एंड द अदर इज सेकेंडरी रूल्स और उन्होंने बोला है कि जो इन दोनों तरह के रूल्स का यूनियन होता है ये तो जाना जरूरी है कि प्राइमरी रूल से रूल होते क्या है प्राइमरी रूल्स में क्या होता है ये वो रूल होते हैं जो कि ड्यूटी इंपोजिंग होते हैं जो ड्यूटी इंपोज करते हैं आपके ऊपर और एक एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर बताते हैं किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए एंड हाउ शुड द थिंग्स बी डन तो जैसे इसका एग्जाम्पल है इंटरनेशनल लॉ द सेकेंडरी रूल्स रूलफर द पावर सेकेंडरी रूल्स आपको पावर देते हैं फॉर एग्जाम्पल द स्टेच्यूज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेज दैट द यूनियन ऑफ दिज टू रूल्स इज द एसेंस ऑफ लॉ तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट हु Classified the law between the primary rules and uh, secondary rules, and what do we confer with the terms secondary rules and primary rules? Theak, I do remember this. Further, he gave a theory of rules of uh, recognition. Again, this is an important point. a theory proposed ki thi that was rule of recognition. According to him, it is a ru sole rule in a legal system whose binding force depends upon its acceptance. The rule of recognition specifies that the ultimate area of validity in the legal system. Basically, the rule of recognition ये बताता है कि किसी भी legal system का ultimate criteria validity की उस legal system की validity का ultimate criteria क्या होता है Criteria यही होता है कि अगर वो legal system prevail कर रहा है और जिसका binding force है तो उसकी जो वैलिडिटी है दैट डिपेंड अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस कि किस तरीके से वो एक्सेप्ट किया गया है किसके द्वारा बेसिकली उन लोगों के द्वारा जिसके लिए वो बनाया गया था सो द वैलिडिटी बेसिकली डिपेंड अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस एंड दैट इज वॉट द बेसिक एसेंस ऑफ दिस रूल ऑफ रिकॉग्निशन वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल है वॉट एवर इज अनेक्टेड बाई ब्रिटिश क्वीन इन पार्लियामेंट इज अ रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो भी रूल जो भी लॉ ब्रिटिश क्वीन बनाती हैं पार्लियामेंट में वो एक रूल ऑफ रिकोगग्नीशन है बिकॉज दैट हैज अ बाइंडिंग फोर्स एंड दैट डिपेंड अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल हु आर सपोज टू बी फॉलो द सेम सो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द रूल ऑफ रिकोगग्नीशन ठीक है फर्दर ही डज़ नॉट डिनाउंस द रूल ऑफ नेचुरल लॉ इन हिज पॉजिटिविज्म ठीक है मोरालिटी इज इम्प्लिसड इन हार्ड पॉजिटिव लॉ उन्होंने uh, नेचुरल लॉ के कॉन्प्ट को डिनाउंस नहीं किया है जैसे ऊपर एस्काइन ने किया था एंड रादर मोरालिटी जो है उन एक्चुअली हार्ट की जो पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है उसमें मोरालिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ही असर्ट्स दैट लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर उनके अकॉर्डिंग लॉ और मोरालिटी विधि और नैतिकता ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के प्लस दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर कई बार ये अपने आप में ये एक लाइन uh, आ जाता है लिख के दैट हु असर्त्स दैट लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंटरी टू ईच अदर सो ही इज अन अदर देन एचएलए हार्ट ठीक है आई होप इट्स क्लियर तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचएलए हार्ट नाउ द नेक्स्ट इज हेंस कैल्सन सो हेंस कैल्सन प्रपोज्ड अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हेंस कैल्सन ने थ्योरी दी थी जिसका नाम था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ठीक है और ऊपर एच हार्ट ने दी थी कौन सी रूल ऑफ रिकॉग्निशन थियोरी सो लेट्स रीड वॉट प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिस थ्योरी इट्स अ थ्योरी विच इज फ्री फ्रॉम सोशल हिस्टोरिकल पोलिटिकल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस एंड इज लॉजिकली सेल्फ सपोर्टिंग इस ये थ्योरी क्या है ये वो थ्योरी है जो कि आ, किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल सोशल हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस से फ्री है दस एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग विच इज़ स्ट्रिक्टली नॉट लॉ मतलब जो भी चीज़ लॉ नहीं है उन सब चीज़ों से ये परे है मतलब उन सब चीज़ों को ये एक्सक्लूड करता है एंड इट इज़ लॉजिकली सेल्फ सपोर्टिंग ये सेल्फ सपोर्टिंग है एंड एक लॉजिक के ऊपर बेस्ड है ही विश टू क्रिएट अ प्योर साइंस ऑफ लॉ मतलब बेसिकली ही मीन्स टू से बाहिज दिस थियोरी कि जो लॉ है दैट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय एनी अदर साइंस विच इज़ नॉट लॉ एंड दैट शुड बी लॉजिकली सेल्फ सस्टेन्ड uh, ठीक है वो एक प्योर लॉ होता है उनके अकॉर्ड ही उन्होंने हमेशा एक विश किया था दैट टू क्रिएट अ प्योर साइंस ऑफ लॉ विच इज डी वर्ल्ड ऑफ मॉरल एंड सोशलॉजिकल कंसिडरेशन की एक लॉ ऐसा होना चाहिए जो कि जो लॉ का जो साइंस है वो ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी तरीके की मॉरल और सोशलॉजिकल कंसिडरेशन से बिल्कुल अलग हो वो चीज़ें उसको टच भी ना करे ठीक है बट ही रिजेक्टेड ऑस्टिन डेफिनेशन और इसके साथ साथ उन्होंने जो ऑस्टिन की लॉ एज अ कमांड की डेफिनेशन थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था ठीक है ही डज नॉट बिलीव इन ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ लॉ एज अ कमांड दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन और इनकी जो ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है दिस इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन ठीक है अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड नॉट अ नेचुरल साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट उनके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है नॉर्मेटिव साइंस मीन्स जो कि कॉज और इफेक्ट पे बेस्ड है वो कोई नेचुरल साइंस नहीं है ठीक है yes, कॉज एंड इफेक्ट इज वेरी सिंपल फॉर नॉमिनल दैट इफ सम इज देर अगर ऐसा होगा उस चीज़ का ऐसा रीजन है ऐसा हम करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा सो दिस इज ऑल इन सब हर चीज को कंसिडर करने के बाद ही लॉ बनाया जाता है एंड दैट इज वॉट हेयर ही बेटर टर्म्स इट एज नॉर्मेटिव साइंस राइट देर आर सेंशन अटैच टू द लॉ इज सेल्फ फर्दर कैल्सनस थ्योरी ऑफ लॉ इज़ बेस्ड ऑन पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरार्की ऑफ नॉम्स विच डिराइव देयर वेलिडिटी फ्रॉम द बेसिक नॉम विच ही टर्म ड्रन नॉम इसके अलावा कैल्सन uh, ने एक ग्रंड नॉम का कॉन्सेप्ट भी दिया था ठीक है उनकी जो यो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ये ग्रंड नॉम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्या है ये बेसिकली इट इज़ अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिरारकी ऑफ नॉम विच डिराइव देयर वेलिडिटी फ्रॉम द बेसिक नॉम मतलब ये इस चीज़ पर बेस है कि देयर अकॉर्डिंग टू हेन्स कैलजन्स थी देयर यूज टू बी अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स देर इज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स ठीक है जो कि जो हिरारकी में जितने भी ऊपर आपके नॉर्म्स होंगे दे ऑल डिराइव देयर वेलिडिटी फ्राम दिस बेसिक नॉम फॉर एग्जाम्पल ग्रंड नॉम जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपके बाकी जितने भी नॉम्स हैं उसकी क्या कंटेंट होगा उसकी क्या वैलिडिटी होगी तो इसका बेस्ट एग्जांपल आई कैन सी दैट द नॉम ऑफ आर फॉर आर इंडिया इज आर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रंड नॉम है जो कि हमारे इसके ऊपर जितने भी हरारकी में लॉज बनते हैं उन सबको वो वैलिडिटी दे करता है उन सबको वैलिडेट करता है उन सबके कंटेंट को डिटरमाइन करता है तो वो हमारे कंट्री का बेसिक नॉर्म है जो कि बाकी सारे नॉर्म्स को डिराइव करता है राइट right? तो आई होप आपको ग्रैंड नॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड विद दिस वेयर ऑल डन विद ऑल द जोरिस्ट उनके क्या थियोरीज हैं उनके क्या कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दिस एनालिटिकल स्कूल ठीक है अब लेट्स समथिंग दैट इज ऑल्सो नेसेसरी टू बी नोन कि ये जो कुछ हमारे ऑस्ट्रीनियन स्कूल के जो रिस्ट हैं उनकी क्या कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम ऑफ द बुक्स ठीक है आप लोग को याद रखना है बिकॉज इन द लॉर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दिस कम स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट फॉर एग्जाम्पल दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय होम so you must know that this book was written by jeremy bantham okay. so these are also some important books that you that must be known by you right first of all jeremy bantham so his book limits of jurisprudence defined very important introduction to the principles of moral legislation classic utilitarians utilitarianism and other essay theory of legislation fragment of fragment of government important utilitarianism ke concept ke mein jaha bhi hai. so he is none other than jeremy bantham okay further john austin इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ प्रोविंस ऑफ जुर्रूडेंस एट रोमांइंड प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑस्टीनियन थियोरी ऑफ लॉ बाय दिस यू कैन इजिली गेट टू नो दट दिस इज बाय द नेम जॉन ऑस्टिन राइट फर्दर हॉलैंड सो हॉलैंड की एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है याद रखनी है आपको एलिमेंट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस ठीक है फर्दर सामन की देर आर थ्री इंपॉर्टेंट बुक्स ज्यूरिस प्रोडेंस इन लीगल थियोरी लॉ ऑफ टॉट एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही बुक किसने दी है सामन ने दी हैं फर्दर एच एल ए हार्ट की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक अभी हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ देन जोरस स्टूडेंट्स एंड एस एंड फिलोसफी एंड जुर स्टूडेंट्स लॉ लिबर्टी एंड मोरालिटी कॉजेशन इन द लॉ पनिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ मोरलिटी सोसाइटी रूल ऑफ रिकोग्नीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक बिकॉज अगेन दिस थियोरी हैज़ बीन गिवन बाई हिम सो इट्स ईजी टू रिकॉल द नेम ऑफ द जूरिस्ट एंड सेपरेशन ऑफ लॉज एंड मॉरल्स राइट फर्दर बाय हैंस कैल्जन Pure theory of law, you can easily recall it. Then general theory of law and state, principles of international law and general theory of norms. So by norm you can recall it by Hans Carlsen because he gave the concept of grand norm. Okay? सो डू रिमेंबर दिस ऑल तो दीज वर ऑल दु बुक्स विच व गिवन बाय द जोरस ऑफ दिसियन स्कूल नाउ द इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो दैट वे व डिसकस द जोरिस एंड देर थियरीज वैसे ऑल दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दब अब ऑल द डिस्कशन एट वट आर द डिफरेंट थियरीज गिविन बाय डिफरेंट जोरस बट हियर आम स्पेसिफिकली मैंशनिंग सो दट यू कैन बेटर रिमेंबर देन यू कैन जॉट डाउन इन योर नोट बुक्स और वट एवर नोट्स ऑर प्रपेरिंग बाय वॉचिंग दिस वीडियो ठीक है तो हम लोग देखते हैं कि इस स्कूल के अलग अलग जोरिस की क्या क्या थियोरीज हैं फर्स्ट बाय बैंथम बैथम एज गिविन

right and the last hans kelsen he gave the pure theory of law and the concept of grand norm so with this we are done with all the concept which i think uh, was supposed to be relevant for this particular school of uh, jurisprudence and if i left anything else so you just uh, let me know in the comment section i'll uh, correct it and uh, make it uh, clear in the

बड़ा हो जाता है पर बड़ा होना इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से चीज़ें सारी कवर होना चीज़ें सारी समझ में आना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग दस जगह जाने से अच्छा है कि आप एक लेक्चर देख रहे हो एक लेक्चर में आपको वो सारी दस चीज़ें एक जगह पे मिल रही हैं तो भले ही दस मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक दीज नोट्स विच आई एम i used to provide you are perfect for your uh, either it is the your ct's class tests or your uh, external exams your university exams your any competition your judiciary they are like they are like fine for your understanding point of view plus as well as for your answer writing the well versed right एंड uh, बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब दैट दे यूज़ टू बी शो सो मच शॉर्ट एंड क्रिस्प दैट पीपल यूज टू एक्सप्लेन द एनाटिकल स्कूल इन जस्ट फोर और फाइव मिनट्सो यूज टू एक्सप्लेन वेरी वेल बट आई सम हाउ फील दैट देर लॉट ऑफ थिंग्स मोर दैट A student needs to know for writing a good answer or for knowing a better knowledge about that school. So for that, at time my videos goes lang long. That's the only difference I feel, and that's it for now, guys. Uh, for any doubt, you can ask me in the comment section, and you can also follow us on our Instagram page, uh, Law Vita underscore eight zero. And if you're new one watching it for the first time, you can subscribe to Law Vita. De you're definitely gonna gain something. Uh, and uh, if you like the content you can give it like uh, this was it i'll meet you up with the next video with the next legal content till then take care have a good day bye-bye